डायलिसिस। डायलिसिस के दो तरीके हैं, आर्टेरियल ब्लड डायलिसिस, बॉडी कैविटी डायलिसिस। आर्टेरियल ब्लड डायलिसिस, आर्टेरियल ब्लड डायलिसिस के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, एक डायलिसिस टैंक और एक डायलिसिस नाली। जिस मरीज का खून डायलिसिस मशीन में से गुजारना होता है, एक नाली को उस मशीन के उस बाजू के आर्टरी में से खून को डायलिसिस टैंक में से गुजारा जाता है। डायलिसिस टैंक और डायलिसिस नाली के दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है जो फासिल मादों और यूरिया को जज्ब कर लेती है, और इस तरह साफ होने वाला खून एक और नाली के जरिए मरीज की वेन में दाखिल कर दिया जाता है। ये अमल आमतौर पर एक हफ्ते में करवाया जाता है और इसे 5 से 6 घंटे लगते हैं। बॉडी कैविटी डायलिसिस, बॉडी कैविटी डायलिसिस में गिट और इसके दरमियान गिट और पेरिटोनियल के दरमियान नाली, पेरिटोनियल बॉडी कैविटी में से